नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्राथमिक शाला सावित्रीपुर के नौनिहाल 5 साल से पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। कैसे करेंगे अपना भविष्य, कब होगा इनको एक अच्छा सा स्कूल भवन नसीब। जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं मौन, इनको बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आपको बता दें कि यह मामला बलरामपुर जिला के विकास खंड वाड्रफ नगर का है, जहां छोटे छोटे नौनिहाल पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। आपको बता दें कि यह स्कूल प्राथमिक शाला सावित्रीपुर है, जहां शासन शिक्षक तो 3 स्थापित कर दिए गए हैं, परंतु पढ़ाई का बेस देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नजर आता है। 1 से 5 तक के बच्चे एक ही जगह पर एक ही कमरे में, आखिर इनको शिक्षक कैसे शिक्षा देते होंगे। कहां जाएं बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में और गर्मी के समय बच्चों को, कैसे ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और कैसे ये लोग यहां पर पढ़ते होंगे। इस बारे में किसी जिम्मेदार अधिकारी ने आज तक स्कूल भवन की ओर नजर उठाकर नहीं देखी। आपको बता दें कि यहां के विधायक डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो है, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री भी है, लेकिन आज इस क्षेत्र की जनता को अपने विधायक पर क्षेत्र का समस्त जिम्मेदारी सौंप कर और विधानसभा में बैठाया है। लेकिन आज इन छोटे छोटे नौनिहालों को देखकर तरस आता है कि जिस क्षेत्र के विधायक शिक्षा मंत्री हो, उस क्षेत्र का स्कूल का हाल कुछ कहने लायक नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इन छोटे छोटे नौनिहालों को कब तक एक अच्छा स्कूल नसीब होता, या इसी तरह पेड़ के नीचे पढ़कर अपना जीवन संवारते हैं, यह देखने वाली बात है। बीबीसी लाइव के लिए डिविजनल हेड राजू पटेल की रिपोर्ट। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दिलीप था, विकासखंड वाटर। सर एक हम लोगों ने एक प्राथमिक शाला भवन पे गया था, ग्राम सावित्रीपुर। सर काफी दिनों से वहाँ पर भवन जर्जर पड़ा है, आखिर बनने का रीजन, नहीं बनने का रीजन क्या है? सर हम तो प्रति वर्ष वार्षिक कार्य योजना में बना करके एस्टीमेट से इसको प्रकलन तैयार करके जिला कार्यालय को भेज देते हैं। इस तरह का हमारे पास 8 भवन है, जो कि प्राथमिक शाला या अन्य शाला में लगते हैं अतिरिक्त कमरा वगैरह में। और ये जो सावित्रीपुर की बात कर रहे हैं, ये वर्ष अभी अप्रैल महीना में उसको कार्य योजना बना के दिए हैं। अभी पता चला है कि स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन आदेश अपने पास मिला नहीं है। बीओ साहब को कहना था कि, और पटेल बाबू को कहना है कि उनको ये आदेश मिल चुका है, आदेश मिला नहीं है, स्वीकृति हो गई है। सर स्कूल भवन काफी लगभग 5 साल से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, ये कहा जाए ये यहाँ के विधायक शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में इस तरह से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। आखिर हम कहाँ, इसको हम क्या समझें सर, कि कहाँ की लापरवाही है कि आज तक बिल्डिंग नहीं बन पाए, 5 साल गुजर गए। और वैसे कहा कि प्रति वर्ष यहाँ बिल्डिंग स्वीकृति हो रही है, अब एक ही बार में पूरे ब्लॉक को तो कवर कर नहीं पाएगा, धीरे धीरे होते हुए अभी वर्तमान में 8 या 9 ऐसे भवन विहीन स्कूल है, अभी देखते हैं इस साल पूरी स्वीकृति हो जाएगी। आशा रखें सर इस साल बच्चों का स्कूल बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। चलिए आपने हमसे बातचीत की सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।